tenniscricket.in, India's first tennis ball cricket website. ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। इस ओर की अगली गेंद लेकर बढ़िया स्ट्रोक बल्ले से निकलता हुआ गेंद तारामंडल में जाती हुई 6 रनों के लिए। एक जयेश पाटिल, अजय भोईर, अभी भी कुछ गेंदे आने बाकी इस ओर के। फिर से एक बार उसी दिशा में उसी तरह गेंद को बॉन्डला के पास भेज दिया 6 रनों के लिए। पुन्हा एकदा मोठा फटका, चेंडू सीमेच्या बाहेर जाते, 7 धावांसाठी षटकार। निघतंय त्याच्या अगोदर सुरेश पारदियाच्या षटका। एक से बढ़कर एक खिलाड़ी इस मरतबा 6 रन। स्लॉग स्वीप किया गेंद को, गेंद की लाइन से अलग होते हुए अजय भोईर ने डीप स्क्वायर लेग पर 6 रन। एक ओवर 6 रन समाप्त हो चुका है गेंद को, गेंद और की एक ओवर की समाप्ति पे 2 रन बने 12। अजय भोईर ने एक विकेट गिरा है। आकाश पाटिल ने, बैट्समैन है, इस मरतबा अपर कट किया है। स्क्वाड थर्ड मैन पे खिलाड़ी मौजूद है। लेफ्ट आर्म ग्राउंड विकेट, शॉर्ट गेंद हुक कर दिया 6 रन। कोई मौका नहीं किसी के लिए। एक ओवर में श्याम चौधरी ने रन लुटा डाले। भले से वर्षा तो नहीं हो रही है लेकिन रनों की वर्षा जरूर हो रही। श्याम चौधरी भी लगता है कि बिग बाजार में जाकर रहेंगे। हालांकि 35 रनों की बहुत अच्छी बारी खेली थी लेकिन गेंदबाजी में बहुत ही फ्लॉप शो रहा है अब तक। फिर से हुक, ये भी जाएंगी मैदान के बाहर 6 रन। गेंद लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर जाती हुई। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं अजय भोईर, मानो ऐसा लग रहा है कि रबर गेंद के बहुत अच्छे से कैच किया है। ऐसा लग रहा है कि अजय भोईर मानो घर से सेट होकर आए। 6 रन 16 की जरूरत बाहर जाती हुई। खतरा क्या बल्ले खींचना है। कुमार की पहली गेंद और इन्होंने भी मदद कर डाली एसपी की वाइड। कुमार की पहली गेंद चेसिंग कंपलसरी है। इन्होंने भी अजून 2 धावांची आवश्यकता है। कुमार पुन्हा एकदा मारण्याचा प्रयत्न आपण पाहतोय। 4 धाव पूर्ण केली जाते। स्कोर लेवल झालेले 1/2 इशारा करते पंच जय सर। धाव संख्या 70 धावा।